ये ले लिया फ्रेंड्स हमने अपना प्रोटीन शेक, पांच जो है ना आलमंड्स है और किशमिश। रात के अभी 1 बज रहे हैं फ्रेंड्स और बहुत जोर से आंधी चलनी शुरू हो गई है। ये देखिए मौसम बहुत ख़राब था ना आज, मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी तो इस वजह। द नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे फ्रेंड्स और रात में 1 बजे मैं बस थोड़ा सा शूट कर ली थी क्योंकि 1 बजे फ्रेंड्स कल मैंने आपको बताया था बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। 1 बजे के करीब इतनी तेज़ आंधी वगैरह टाइप से हवा चलने लगी थी फ्रेंड्स, और लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी तो बहुत तेज़ बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई, लेकिन एकदम ठंडी ठंडी हवा चली, एकदम सुकून से सोए, नींद बहुत अच्छी पूरी हुई। सो बस यही है फ्रेंड्स, और मैं उठे हुए मुझे आधे घंटे के करीब हो गया फ्रेंड्स, और अभी मैं उठ तो गई थी फ्रेंड्स, और मैं तो नाइट में टी शर्ट वगैरह पहन के सोती हूँ तो वो सब चेंज कर लिया था, फिर वही कल वाले कपड़े हमने पहन लिए। लेकिन जो है ना वही लेट लग गया ब्लॉक करने में, थोड़ा एक बच्चा था 10th का जो इस टाइम क्लास चलता, उसकी अम्मी आई हुई थी, थोड़ा बच्चे को लेकर कुछ चीज़ों को लेकर परेशान थी। भाई बच्चा पढ़ाई वगैरह सही से नहीं कर रहा, 10th का टाइम एग्ज़ाम नज़दीक है, यही वो उसी मैटर को लेकर के, तो ये उधर शाह से बात की, उसके बाद उनको थोड़ा वो परेशान हो रही थी, हट हो रही थी, तो मैंने उनको रूम में बुला लिया और उनसे बातचीत करने लगी। उनसे ही बातचीत करते हुए फ्रेंड्स इतना टाइम हो गया, आधा घंटा मुझे हो गया लेट, नहीं तो मैं तो सुबह सुबह उठी हूँ। तो बस अब देर ना करते हुए फ्रेंड्स, क्योंकि आज है डे 2 मेरे वेट लॉस जर्नी का, डे 2 है, तो बस रूटीन आज से भी शुरू कर दूँ टाइम से। और आप लोग ये बताना कि आप लोगों को फुल डे रूटीन ऐसे ही चाहिए या जैसे मैं कुकिंग वगैरह ब्लॉग शेयर करती हूँ सिर्फ वैसे शेयर करूँ, सो कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो चलिए अभी तक मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, ब्रश वगैरह नहीं किया, वो सब करती हूँ और फिर एम्प्टी स्टमक जो मैं ड्रिंक बनाऊँगी वो भी आपको दिखाती हूँ और वो लेती हूँ, उसके बाद फिर सारी चीज़ों की शुरुआत करूँ। ना मैं पानी गुनगुना कर रही हूँ, 1 कप के करीब करूँगी, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा। तो ये इतना से घी ले रही फ्रेंड्स और मैं बनाऊँगी अपने लिए घी वाटर। तो बस फ्रेंड्स इसे आराम से मैं सिप सिप करके पीऊँगी, उसके बाद फिर बाकी काम में लगूँगी। तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स अब किचन में और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की, क्योंकि शाम को देना है और यही बच जाएगा तो मैं अपने लिए भी रख लूँगी खाने के लिए। तो रोज़ रोज़ ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है फ्रेंड्स कि आज क्या बनाऊँ, लेकिन वही होता है शाम ना रोटी वगैरह नहीं खाते, अगर वो रोटी वगैरह खाते ना तो मेरे पास ऑप्शन रहता, जैसे कभी नाश्ते में रोटी भाजी कर देती, कभी अंडे रोट पराठा कुछ ऐसा कर देती है ना, बहुत सारे ऑप्शन रहते, बट शाम ये सब चीज़ नहीं खाते हैं। शाम या तो बाहर से पूरी ला करके बाई चांस, वो भी हमेशा नहीं खाते हैं, कभी कभी जैसे महीना में एक आध बार कभी कभी खा लेते हैं, और बाकी वो ना ये सत्तू पोहा यही सब वो खाना पसंद करते हैं। अच्छा सत्तू की आदत और पोहे की आदत उनको मेरी वजह से लगी है। शैम का एक चीज़ बहुत फ़नी है फ्रेंड्स कि मैं ना अपनी डाइट की जो भी चीज़ें बनाऊंगी उनके लिए चाहे अलग से जो भी चीज़ें बना दूँ, बट उनको पता नहीं क्या दिल दिमाग में रहता है, वो बोलते हैं कि जो तुम खा रही हो डाइट में अपनी वो मैं भी खाऊँगा और वो मुझे भी देना। हाँ ये बात अलग है कि जैसे कोई चीज़ ऐसी रही कि उनको जैसे पसंद आया तो उसको वो फिर कंटिन्यू रखेंगे, जब भी मैं बनाऊंगी तो वो खाएंगे, और जब उनको टेस्ट में कुछ खास समझ में नहीं आया तो वो फिर वो चीज़ खाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ तो उनको खाना ही खाना है, एकदम बच्चों की तरह मतलब एक कॉम्पिटिशन में खड़े हो जाएंगे कि मुझे भी बस यही खाना है। तो पोहा वगैरह की आदत उनको मेरी ही लगाई हुई है, सो वो बहुत शौक से माशाल्लाह खा लेते हैं। और पोहा के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं ब्रेकफास्ट में रोटी भी छोड़ करके फ्रेंड्स, बट वही है ना कि घर में जितनी चीज़ें अवेलेबल हो उसी चीज़ों में कोशिश करते हैं हम लोग कि घर में खाना वगैरह का इंतज़ाम करें। सो नॉर्मली मेरे घर में यही सब रहता है ब्रेकफास्ट में ऑप्शन, पोहा बना लो, उपमा बना लो, चीला बना लो या कर्ड चूरा खा लो, है ना, यही सब रहता है, ज़्यादा सत्तू रहता है, बस यही सब गिने चुने ऑप्शन रहते हैं और थोड़े और महंगे वाले ऑप्शन नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। तो बस यही है, तो बस इसी को घुमा फिरा के बनाना पड़ता है। तो आज वही जो चूरा जो मैं लाई थी ना, जो बताई थी एकदम पतले वाले पेपर पेपर टाइप के मेरे से
थोड़ी सी मिस्टेक से हो गई थी। एक्चुअली मुझे लगा कि इसका भी बन जाएगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं कि इसका नहीं बनेगा। तो खैर ये लास्ट ही है फ्रेंड्स, आज ये बन गया, ज़रा सा एकदम बच गया, तो वो किसी दिन ना कट के साथ दे दूँगी शैम को। और ये आज लास्ट था, आज ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा इसकी खुशी रहे है कि ये वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पोहा मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। इस वाले का ना मेरा बनाने का मन नहीं करता, टेस्ट बहुत अच्छा होता है बट फ्रेंड्स फ्लेवरफुल होता है, बट वही है ना कि थोड़ा ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा और थोड़ा सौगी सौगी सा हो जाता है, तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आता है कि पोहा का मतलब है थोड़ा सा मुंह में जाने पर हल्का सा च्यू करने में भी थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइम से ये वाला चूरमा मत डालना। नहीं नेक्स्ट टाइम से नहीं लाऊंगी, ये लास्ट है, आज खत्म हो गया, सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है ना। और मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स अभी ये है 5 जो है ना आलमंड्स है और किशमिश, इसको ना मैंने ओवरनाइट सोक करने दोनों को डाल दिया था, तो बस शाम सुबह सुबह ही उठे तो उन्होंने खा लिया था, मैं अब खा रही हूँ। पहले जो है ना फ्रेंड्स किशमिश नहीं खाना, पहले आपको आलमंड्स खा लेने हैं, उसके बाद आपको फिर किशमिश खाना है, क्योंकि कभी भी खाली पेट जो है ना मीठी वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, अचानक से ना ये इंसुलिन जो है ना स्पाइक करता है, जो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। सो इसीलिए मैं पहले आलमंड्स खा रही हूँ, उसके बाद मैं फिर क्रिसमस खाऊंगी आराम से चू कर कर। आलमंड्स खाने में फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है। 3x7x48x28x45 3x7x28x 28x45 पोछा वगैरह हमने लगा लिया फ्रेंड्स, और पोछा लगाने के बाद ना मैं इधर 2 दिन से छोड़ दी थी, नहीं तो शुरू में क्या कम करती थी ना पूरे मैं अच्छे से एक एक बाल्टी डेढ़ डेढ़ बाल्टी पानी लेके पूरे हॉल रूम में किचन में सब में ना ऐसे सीमेंट पे ऐसे छिड़क देती थी अच्छे से, फ़ौरन ही ना ये सोख लेता, क्योंकि न्यू सीमेंट है गाँव में, हमने मतलब जब भी देखा फ्रेंड्स वहाँ घर बनता है अगर प्लास्टर होता है तो उस पर ना बहुत सारा पानी डाला जाता है, लेकिन यहाँ कौन डालेगा, तो इसलिए ये काम मैं ही कर रही हूँ। तो आज फिर से नहीं, ये देखिए हमने पानी वगैरह डाल करके सब में छोड़ दिया है, पोछा लग चुका है बट वही पानी सब सूख रहा है। इस रूम का एक ही बार डाली थी तो जल्दी सूख गया, क्योंकि मैं इस रूम में एक्सरसाइज अभी करूँगी तो एक ही बार डाल के छोड़ देती, इस बार इस रूम में हॉल रूम में किचन में और उस तरफ 2-3 बार डाली हूँ। हमने बनाया था फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में पोहा, तो वही हमने अपने लिए रख लिया था, तो क्योंकि 12 बजने वाले हैं तो मुझे लग रही है भूख, मैं इसे जा रही हूँ खाने। पहले फैन ऑन कर, फैन ऑन करके हवा में आराम से खा लूँ, लेकिन इससे ये पूरा खाली रूम है ना, इसलिए इसमें फैन की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं कुछ बोलूँगी तो आपको वो सुनाई ही नहीं देगा, थोड़ा सा कैमरा से करूँ, हाँ तो वही बोलूँगी तो आपको सुनाई ही नहीं देगा। और हाँ फ्रेंड्स आज कुकिंग वगैरह का ऐसा नहीं, आप लोग सोच रहे हैं इतना टाइम हो गया रहा, अभी तक कोई रेसिपी नहीं थी, कल के ना ये बचे हुए छोले बचे हुए हैं थोड़े से, मतलब इतने बचे हुए किस टाइम हम लोग हो जाएगा। और परसों के मैंने ना जो जिस दिन ब्लॉग नहीं की थी उस दिन ना गाली वाली एकदम वो जो दाल फ्राई करके जो बनती है वो वाली दाल हमने बनाई थी, तो उसको क्या करूँगी मैं थोड़ा सा उसमें पानी लगा के थोड़ा सा लिक्विडी करूँगी, पतला करूँगी, और वही दाल चावल और छोले शाम को दे दूँगी। अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चीला और उसके साथ छोले, ये सब करके मैं अपना लंच करूँगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैं इसे खाती हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। तो नाइट में फ्रेंड्स आंधी आई थी बट बारिश नहीं हुई, तो आज फिर से वही उसी टाइप की गर्मी है बहुत ज़्यादा वाली। पोहा खाना किशमिश को ज़्यादा पसंद है बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे चीला पोहा ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसे खाने की मेरी कोई ऐसी ये नहीं है कि हाँ ये चीज़ें मैं ज़्यादातर चीज़ें खाती हूँ, टाइम का पता नहीं, पता ही नहीं चलता है, सारी चीज़ें करते करते कब टाइम निकल जाता कुछ समझ भी नहीं आता। और आज मैं देखिए बैठी हूँ शाम में चेयर पे, क्योंकि आज उस रूम में शाम सो रहे हैं, मैं इसमें चली आई हूँ। और आज एक्सरसाइज कल तो उस रूम में हमने किया था बट अभी ट्यूशन में काफ़ी टाइम है, अभी तो 12 बजने ही वाले हैं, 10-15 मिनट के बाद जाकर के आज इसी रूम में एक्सरसाइज करूँगी और आज देखती हूँ एक्सरसाइज में कितना कर पाती हूँ। कल तो मुश्किल से मैंने 1/2 घंटे करीब भी किए थे बट आज सोच रही हूँ टाइम थोड़ा सा अप करूंगी बढ़ाऊंगी। 1 hour later ले लिया फ्रेंड्स हमने अपना प्रोटीन शेक, को एक्सरसाइज किए हुए मुझे 10-15 मिनट हो गया।
5:07 हो गए हैं फ्रेंड्स। छोले और राइस बनाई थी शैम के लिए, वही ले रही हूँ फ्रेंड्स। और दाल इसमें जो बची हुई थी वो हमने ऐड कर लिया, और एक बड़ी साइज़ के कुकुम्बर को हमने कट कर लिया। तो यही लंच में कर रही हूँ। और हाँ, दही भी ले लिया हमने, थोड़ा सा ही बचा हुआ था शैम को देने के बाद, वो हमने ले लिया। फिर आपने लिया, अभी कुछ भी बनाने का मन नहीं किया फ्रेंड्स, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। कल भी ऐसी लेट से लगा था, पोहा वगैरह खाई, और ये वो जो प्रोटीन शेक मैं पी लेती हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसमें ये चना, पीनट और आलमंड्स वगैरह सब है, मखाना वगैरह, तो सारी चीज़ों में फाइबर भी होता है, मतलब उसको डाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मुझे उसके बाद ना भूख ही नहीं लगती है। और अभी भी इतनी तेज़ वाली नहीं लग रही, बट इतना लेट हो रहा तो मैं सोची अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर और नहीं कर पाऊँगी। सुबह से मैं खा लेती हूँ फ्रेंड्स। शाम के 7 बज रहे फ्रेंड्स, और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शैम के लिए एक भुर्जी बनाऊँगी, और उसके साथ उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। अच्छा, मैं ना डिनर का प्लान ना स्किप कर रही थी, मतलब मेरा था कि ना आज छोड़ दे रही हूँ डिनर, इतना लेट से तो खाई हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया ना फ्रेंड्स कि लेट नाइट ना भूख लगेगी, क्योंकि कल नाइट में ना कितना बजे, 12 बजे के करीब, 1 बजे के करीब जो मैं ब्लॉग बना रही थी, उस टाइम ना मुझे ना थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी। मतलब ऐसा मन कर रहा था ना, नियत इतना मेरा टगमगा रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि फर्स्ट डे है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ी ना दिक्कत हो रही थी। जैसे जिस टाइम मैं आपको बोली थी कि अपना डिनर मैं फिनिश कर ले रही हूँ, अब कुछ नहीं खाऊंगी, तो उस टाइम तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। इवन मुझे 8 बज के, 9 बज के, 10 बज के तक भी बिल्कुल भूख नहीं थी, बट वही 12 बजे, 1 बजे बजते बजते ना फ्रेंड्स, मेरे पेट में ना गुड़गुड़ शुरू हो गई, और इतना मन कर रहा था ना मेरा, ऐसा मन कर रहा था कि खा ले रही, थोड़ा सा तो कुछ खा ले रही हूँ, मतलब कुछ बना करके खा ले रही हूँ जल्दी से, रोटी वगैरह कुछ भी एक। मगर फिर मैं सोची कि नहीं, फिर वो वही चीज़ हो जाएगी कि सारे दिन की जो मेरी मेहनत मैंने की है ना एक सुबह से, उस पे ना पानी फिर जाएगा, मुझे बार बार ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर मैं क्या ही मतलब क्या ही फिर वेट लॉस करना, जब आप सारा दिन डाइट करके रात में अपनी डाइट ख़राब ही कर लो, तो फिर तो वो सारे दिन की मेहनत का कोई मायने ही नहीं होता है। तो मैंने ना मतलब अपने आप को बहुत अंदर से हिम्मत दे करके, चुप करके मैं ना सो गई। तो खैर, जब नींद आ जाती है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, कहाँ भूख लगी है, कहाँ क्या, वो कुछ पता नहीं होता है, बट जब तक जागते रहो तभी तक सारी तकलीफ होती है। तो कल तो ऐसा हुआ, तो इसीलिए मैं आज सोची कि ना कल वाली गड़बड़ी नहीं करूँगी। जब शैम के लिए बना ही रही हूँ, तो शैम से मैंने ना 4 एग मंगवा लिए थे, और 2 एग का उनको मैंने बना दिया एक भुर्जी, और 2 एग का मैंने एक होल लिया, और 1 का सिर्फ वाइट पार्ट लिया, और मैं अपने लिए बनाऊँगी उसका ये ऑमलेट बना लूँगी, उसमें टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह डाल करके, मिर्च वगैरह। अगर आपके घर में जैसे में और भी कुछ वेजिटेबल्स एक होते 2 ऑप्शन में, जैसे बीन्स या फिर और कुछ कैप्सिकम, ये खास करके कैप्सिकम अंडे में ना ऑमलेट बनाने में आप डाल सकते हैं डाइट के दौरान, बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और कैप्सिकम भी तो अच्छा है डाइट में। तो वो सब सारे मतलब उसमें से कोई ऑप्शन नहीं थे, टमाटर ही बेचारे 1 फ्रिज में बचे हुए थे, 1 नहीं 2, तो 1 से ज़्यादा मैंने शैम के इसमें डाल दिया एक भुर्जी में, और हाफ को मैंने अपने अंडे में डाले। सब्ज़ी वगैरह यहाँ इतनी महंगी हो रखी है फ्रेंड्स कि लास्ट डे मैं मार्केट गई हूँ ना, 60-70 रुपये के जी टमाटर है, 60 रुपये के जी प्याज है, और सब्ज़ी वगैरह सब महंगी तो है, वो तो है ही है फ्रेंड्स, और बहुत गिनी चुनी सब्ज़ी दिखती है, वो भी मतलब उतनी फ्रेश नहीं। हर तरफ जो इस तरह का माहौल बना हुआ, जैसे यहाँ इतनी बारिश नहीं हुई है, बट बाकी जगह बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हुई है, बाढ़ आया, जिसकी वजह से ना सब्ज़ी वगैरह काफ़ी महंगी हो रखी है, और सब्ज़ी का उतना ऑप्शन भी अभी नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। तो बस ये देखिए, यहाँ पे गर्मा गर्म शैम के लिए हमने रोटी बना दी थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं भाई अपना, मैंने जो बताया 2 अंडे का मैं बना रही हूँ, एक ही का। अब आप लोग ये मत बोलना फ्रेंड्स कि दोनों का तुम होल ले रही हो, एक ही का मैंने लिया है, बाकी 1 वाइट पार्ट लिया है। अच्छा, मुझे ना कॉमेंट आया था आज जो ब्लॉग जो गया है उसमें, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले ही आया था, सो उन्होंने मतलब थोड़ा हंसते हुए कहा था कि नगमा क्यों वेट लॉस कर रही है, फिर तुम वेट तो लॉस कर लेती हो और फिर मोटी हो जाती हो। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, फिर से मेरा वेट बढ़ जाता, वो मेरी गलती रहती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा रही हूँ, नहीं पी रही हूँ और वेट बढ़ जा रहा है फ्रेंड्स। इस बार जो इतने टाइम से मेरा वेट मतलब बढ़ा ये वो, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो मैं अभी नहीं बोलूँगी तो वही बात हो जाएगी कि बड़े बड़े बोल और मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो जाएगी। पहले मैं अपना वेट लॉस कर लूँ फ्रेंड्स, उसके बाद सारी चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मेरा वेट बढ़ गया था, मैं डाइट छोड़ के थी, वो क्यों बढ़ा था और क्या नहीं करने से नहीं बढ़ेगा, कैसे मेनटेन किया जाएगा, सो मैं बाद में शेयर करूँगी, पहले तो मैं अपना वेट लॉस कर लूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ बात बड़ा बड़ा करती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना डिनर कर रही हूँ, और इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर